Let's read the question. Force between two objects of equal masses is F. If 25% mass of one object is transferred to the other object, then the new force will be. So, बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस सेम है, तो मान सकते दोनों के मासेस को इंडिविजुअली m एंड इनके बीच के डिस्टेंस को मान सकते हैं r. तो हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें हम यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला. तो यहाँ से हमें फर्स्ट केस में फोर्स मिल जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, बिकॉज दोनों मासेस सेम है, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये हुआ इक्वेशन नंबर वन. अब बच्चों ये था हमारे पास में केस नंबर वन. केस टू के अकॉर्डिंग क्या किया है, जो फर्स्ट मास है, फर्स्ट मास मतलब था m1 equals to m, इसमें से 25% means इसका 1/4, तो इसका मास कितना बचेगा 3 divided by 4, वो सेकेंड मास में ऐड कर दिया गया. सो दिस सेकेंड मास m plus m divided by 4, तो ये हो जाएगा 5m divided by 4, और इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट ही है. अब हमें करना है फोर्स. तो दिस इज g प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस मीन 3m by 4 मल्टीप्लाइड 5m divided by 4 divided by, तो ये आ जाए 16 divided by 16 m square divided r square. अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर वन को. तो यहाँ पुट कर देंगे हम f1, तो आएगा f2 equals to 15 divided by 16 f1. अब f1 फर्स्ट केस में क्या दिया था, f, तो दिस इज f. सो करेक्ट आंसर विल सी, देख सकते हैं फोर्स यहाँ रिड्यूस हो चुका. थैंक यू.